अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम, लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं बहुत ज्यादा तैयार नादिया खान। हर वक्त तैयार, क्या बात है शो की? क्या हुआ है आज तुमने इतनी तैयारी? तुमने अपने निकाह पे नहीं की थी, शादी में नहीं की थी? हाँ, इतना लंबा जुब्बा, सऊदी इंस्पायर्ड, जापानी बन के आ जाती हो किसी क्या कैरेक्टर? आई एम वेरी क्रिएटिव, क्या ये ज्यादा हो गया, टू मच हो गया यार? अभी समझ नहीं आ रहा मुझे, है हमारे पाकिस्तानी डिजाइनर इतने प्यारे कपड़े बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसा ही बनाया है। सांप चल रहा था उस पर मुंह के बल गिर गई सांप चिपक गया वो चिपक गया ये भी जोक करने लगा है तो करना चाहिए। व्हाट अ गुड जोक। तो ये क्या आज क्या इंस्पिरेशन थी इस तरह तैयार? बस डिजाइनर ने दे दिया, मेरी टीम जो है, डिजाइनर जो भी दे दे पहन लूंगी भाई। आजकल बड़ा इन है ना, मेरी जो मेकअप की टीम है, मेरी जो स्टाइलिंग की टीम है, जो मेरी फला टीम है, मेरी टीम में टोटल 1.5 बंदे होंगे। कितने लोग? अच्छा, 1.5 लोगों की टीम है, लेकिन मेरी जो 11 लोगों की टीम, उसने मुझे ऐसे ही कहा कि ये आप ही आज आप ऐसे तैयार होंगे। मैं कहा ओके। अच्छा, आज कुछ चीज ऐसी डिस्कस करते हैं, हम रमजान के हवाले से हमेशा बात करते हैं, ईमानदारी, लोगों की स्पिरिट्स बड़ी हाई होती है, लेकिन एक चीज और भी बहुत होती है रमजान में, फ्रॉड बढ़ जाते हैं। तो तुमने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है? बड़े बचपन से क्या, हर साल हर महीने? मैं भी अपनी एक किस्सा सुनाऊंगा जिससे मुझे मुझे ये सोच के कुछ याद आया, तुम सुनाओ कि हुआ ऐसी क्या चीज। मेरे पास हर लेवल का फ्रॉड है, थोड़ा सा छोटे से शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ जो ज्यादा हमें फ्रॉडी लोग मिलते हैं ना डेली, अगर देखा जाए तो वो मिलते हैं रोड पे, जो फकीर होते हैं, जो हमसे मांग रहे होते हैं नई नई टेक्निक्स। अभी मैं और फैसल, क्योंकि रमजान है ना, तो रमजान में बंदा वैसे थोड़ा ज्यादा इमोशनल होता है कि किसी की हेल्प करें, कोई मौका मिले। हम लोग गुजरे यहाँ डिफेंस से ही, तो देखा कि एक बंदा सड़क पे बैठा रो रहा है, उसकी रेड़ी उल्टी हुई भी है और वो उसके पास मिट्टी के कुछ बर्तन वगैरह थे, टूटे हुए थे। हाय हाय हाय, हमने मैंने अपना पर्स लिया, कैश निकाला, फैसल ने पैसे निकाले, हम गए, हम साथ बैठे, हम इमोशनल हुए, भाई क्या हो गया, किसने टक्कर मारी। जैसे ही पैसे देने लगे, वो भी नहीं रहे, ऐसे किया, गाड़ी रुकी एकदम, कह रहे भाई मत देना, रोज का काम है। बिल्कुल ऐसे होता है, और ये पता नहीं रमजान में ज्यादा बढ़ जाता है। मैं तो देखता हूँ सिग्नल्स पे फकीरों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से इंटीरियर से लोग आ जाते हैं, कहते हैं भाई रमजान में लोग देंगे, सीजन आ जाता है। ये सीजन होता है कि फिर उसमें कहते हैं हमारे, जिस तरह हमारे भी कमाने का सीजन है, होता है लोगों का, इस तरह फकीरों का भी रमजान, ईद। और मैंने देखा है फिर फेसबुक पे लोग डाल रहे होते हैं कि ये बच्चे ये फ्रॉड है, इसका रोज का ही काम है, स्टोरीज ऐसी ऐसी, ऐसे ऐसे एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, हमारे तो ना पता क्या है, ये जहाँ हम रहते हैं उसके पास औरतें, उनके हाथ में बच्चा होता है, बच्चा शेयर हो रहा होता है। हाँ। कसम से मैं तो बच्चे के तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार ये क्यों बच्चे पकड़े हैं। मैं नोट किया कि औरत हो ये बच्चा, आज उसका चेंज है, अगले उसमें स्टॉप पे गई तो कल वाला बच्चा दूसरी औरत के हाथ में था। वो पूरा एक फैमिली सिस्टम होता है जिससे चल रहे होते हैं। एक मैंने और भी देखा, एक बहुत बूढ़ी औरत और एक बंदा, वो ऊपर ऊंचाई की तरफ जो रोड जा रही है ना उस पर चढ़ रहे होते हैं और उसने पकड़ा होता है वो। मैंने एक दफा देखा, दो दफा, मैंने कहा रोज ही इसी टाइम पे यहाँ से गुजरता है। तो फिर मैंने वो ग्रुप पे पढ़ा फेसबुक पे, उन्होंने कहा ये रोज का काम है इनका कि हाँ। इस तरह वो लोग कहते हैं अरे बूढ़ी औरत है, अच्छा यार इसको हेल्प कर देंगे कुछ, इसको वहाँ पैसे दे दें, कर दें। तो ये हर एक ने अपने अपने सिस्टम बनाए। अरे पिंडी में एक कमेटी चौक है, कमेटी चौक क्यूट नाम है ना। हाँ। पिंडी में नाम बड़े मजे मजे के हैं, आप चंडा चीची, नाला लई चूड़। तो ये नामों पे हम कभी रिसर्च करेंगे, कमेटी चौक नाम क्यों रखे गए। हाँ, ये बड़े क्यूट, हाँ कोई ना कोई तो हिस्ट्री होगी, लेकिन ये कि नाम बड़े क्यूट है वहाँ। अच्छा एनीवेज, वहाँ कमेटी चौक के पास ना मैंने देखा कि ख्वाजा सरा एक वीकेंड मेरे रास्ते से गुजरता था कमेटी चौक से, तो ख्वाजा सरा एक, अब मैं ख्वाजा सरा को जरूर पैसे देती हूँ, मुझे डर लगता है, वाकई नहीं सुना वह बद्दुआ देते हैं ये वो, तो अल्लाह माफी, मैं इनको जरूर पैसे देती हूँ। और हमेशा दूसरी वजह है कि वो मेरे मेकअप की बहुत तारीफ करते हैं, तो वो तो हम लोग भी करते हैं। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही आए, आईलाइनर कितना प्यारा लगा है, ए बाजी ब्लश ऑन की टेक्निक बड़ी सोनी है, तो दे मेक मी ला, मुझे हंसी आती है, उनको जरूर पैसे देती हूँ। फिर ख्वाजा सरा को मैंने पैसे दिए, उसके बाद मैंने देखा मंडे ट्यूसडे ना वहाँ एक कोई लंगड़ा फकीर खड़ा है, फिर उसके बाद एक परांदे बेच रहा है, एक कोई कलरिंग बुक बेच रहा है। मैंने एक दिन ऑब्जर्व किया कि यार इनकी शक्लें मिलती हैं आपस में बहुत, मैंने कहा तुम लोग वो जो आता है तुम्हारा भाई है, हैं वो जो आई, फिर मैंने कहा ख्वाजा सरा से भी शक्ल मिल रही है। कुछ ऐसा हुआ, पता चला कि वो एक ही बंदा था जो गेटअप बदल बदल के, कभी कुछ कभी कुछ, ना वो ख्वाजा सरा था, ना वो लंगड़ा था, ना वो मतलब जो भी बन रहा था, मेकअप आर्टिस्ट था। मैंने कहा तुम तो गेटअप आर्टिस्ट हो भाई, तो वो हुलिये बदल बदल के आ रहा था। और इसके अलावा भी, हम ये तो रोड्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स या चीटिंग्स होती हैं जो लोग खुद जस्टिफाई करते हैं अपने आप के लिए। फॉर एग्जांपल एग्जाम्स है,
अगर रमज़ान में हो रहे हैं या अदर देन रमज़ान, रमज़ान ना भी हो तो एग्जाम्स में चीटिंग, फिर कारोबार में चीटिंग, नाप तोल में चीटिंग, ये रमज़ान में और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये फ्रॉड और बढ़ जाते हैं। लोग जो है वो कहते हैं कि माल ज़्यादा बिक रहा है थोड़ा कम कर दो, नाप तोल में कमी, ये भी बहुत होता है। तो और इसको ये याद रखें, ये हराम का पैसा, और ये पैसा निकल जाना है। आप ये सोचें जो अभी आप कहें यार 10,000 का मैं ये कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, किसी के पैसे उड़ा लिए, ये ऐसे निकलते हैं पैसे आप। और उसके साथ देखिए औलाद की आजमाइश, एक बच्चे ने बीमार होना आपके, वो पैसे ऐसे झट से उड़ जाने, चोरी हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ये पैसे रुकते नहीं। आप किसी के मारे हुए पैसे घर ले आइए, आपको नसीब नहीं होंगे, ये बात तो तय है। तो बचिए ऐसे हराम के पैसे से, फ्रॉड के पैसे से। और इस्लामाबाद में सुनो, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फ्रॉड की लेडी किटी पार्टी होती है ना, किटी पार्टी जिस औरत ने शुरू की वहां कुछ साल पहले, मैं भी थी और भी थी, लाखों की वो किटी पार्टी थी। तो लोग अपनी अपनी पूरी पूरी औरतें सैलरीज डालती थी कि भाई ये जमा होंगे जो भी उन्होंने करना है। तो वो खातून गायब, कहती मेरे मियाँ ने पैसे खा, गायब भी नहीं हुई, कहती मेरे मियाँ ने खर्च कर लिया, मैं क्या करूँ। और मैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें गैंग में नहीं, मैं उस किटी क्लब में थी। तुमने निकलवा लियो, हाँ लगा ना एकदम, मैं गैंग में थी नहीं, मैं गैंग में वो खातून ही थी सिर्फ। और फिर उसने साइंड चेक्स दिए हुए थे। अच्छा इसमें प्लीज एक जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई आपके साथ फ्रॉड करे ना उसको छोड़े नहीं, माफ नहीं इतनी आसानी से करें, क्योंकि उसके लिए सबक जरूरी है, वरना वो कहेगा यार ये तो इजी मनी है, दोबारा करेगा, दोबारा करेंगे। तो कभी भी ऐसे ना करें, आप पीछे पड़ जाएं उनके। अब जिनके साइंस चेक थे ना उन औरतों ने, वो पुलिस केस कर सकती थी, उनके मियाँ ने मना कर दिया, तुम्हारे लिए हम कोर्ट कचहरी जाएं, कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने परस्यू नहीं किया केस को इज्जत की खातिर, और ये कि जी मियाँ ने मना कर दिया। एक और किस्म की भी मुझे लगता है गलत बात होती है, गलत प्रैक्टिस है, इसको आप चीटिंग कह लें, फ्रॉड कह लें। बहुत सारे दोस्त आपस में बैठ के अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उसमें से कोई एक आध होता है जाके तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को बाहर बता देता है जब आपस में बात हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, कोई ट्रस्ट करके आपको अपनी कोई सीक्रेट बात शेयर करता है, ये भी बहुत लोग करते हैं, ये फ्रॉड, ये भी है गलत, ये चीट एक किस्म की चीटिंग है ना, गलत प्रैक्टिस है कि आप पे ट्रस्ट करके किसी ने अपना सीक्रेट शेयर किया और आपने जाके किसी तीसरे बंदे को बता दिया, तो उसने तो ट्रस्ट किया। धोखा है, बिल्कुल है, धोखा तो है, धोखा है, इसको भी कह सकते हैं। क्योंकि बात इजाज ने बहुत गहरी बात कह दी कि पैसा जो मतलब हम सिर्फ पैसे का फ्रॉड ना समझे, फ्रॉड पैसे के अलावा भी होता है, ये भी गलत गलत प्रैक्टिस। एक दिन में तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए, इतने ज्यादा मुझसे ज्यादा अच्छे सवाल पूछ रहे हो, इतना रिसर्च करके आता हूं, ऐसे क्या शहरी में खाया था मैंने, आज कुछ नहीं खाया इसलिए दिमाग चल रहा है, ज्यादा ही चल रहा है जबरदस्त। एजाज हैज बिकम वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। आज हमारी जो गेस्ट आएंगी वो भी होस्टिंग करती रही हैं बहुत अरसा, अब भी करती हैं, जहां हम अक्सर कभी कभी कोई ऐसे शोज आ जाते हैं, प्रोग्राम्स आ जाते हैं। मैं बताऊं, मैंने लास्ट इनको शायद 20 साल पहले इंटरव्यू किया होगा, नहीं 20 साल सॉरी कहां से, एक सेकंड, 10 से ज्यादा साल हो गए। तुम दोनों ने एक दूसरे को इंटरव्यू किया या दोनों एक दूसरे के शो में गई हो? गए हो? एक्चुअली मैंने कभी इसको इंटरव्यू नहीं किया, नहीं किया, तो आज ये मौका आया है। हमारा ऐसा खुल के सवाल है कि जहाँ मेरा नाम आता है वहाँ इनका नाम भी आता है, जहाँ इनका नाम आता है कंपटीशन आता है, जहाँ मैं जाती हूँ ये ना भी हो मुझसे जरूर इनके बारे में सवाल किया जाता है, जहाँ मैं ना हूँ हो नहीं सकता कि वो शो पे जाएं उनसे मेरे बारे में सवाल ना, और हमेशा टीचर सवाल ही होते हैं फजूल से, और क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम कोई एक दूसरे के बारे में बुरा कहेंगे, क्या बात है, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी जिन पता नहीं क्यों। तो ये जब वो आ जाएंगी तो मैं ये सवाल दोनों से करूँगा, किसकी बात, कंट्रोवर्सी, आप ये अभी आप सोचें, कंट्रोवर्सी बता दीजिए, हाँ किसकी बात करें, सोचें बताएं किसकी बात। ये हम एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे हमारे साथ गेस्ट बैठी होंगी, बिल्कुल। देखो एक तो रमजान में एक तो झूठ नहीं बोल सकते, ऊपर से मैं चाहती हूँ ये सारी बातें जो हमारे आज क्लियर हो जाए, आज क्लियर हो जाए, बहुत हो जाए, ग्रीन टीवी पे आज खुल के मैं और वो बात करेंगे कि हम एक्चुअली एक दूसरे के कितने दुश्मन हैं, हमें एक दूसरे से कितनी नफरत है, हमें एक दूसरे कितने हमें जहर लगते हैं हम एक दूसरे को, एंड वॉट नॉट, या नहीं लगते ये भी हो सकता है, बिल्कुल, या तो आज लड़ जाएंगे या दोस्तें बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में भाई मेरे लिए रेस्क्यू का इंतजाम करा देना, मैं तो ऐसे साइड से निकल जाऊंगा अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया मामला। और ग्रीन टीवी पे आज बनने वाली है हिस्ट्री, मीडिया पाकिस्तान मीडिया की हिस्ट्री, के मैं और वो होंगे साथ साथ, वो मैं और वो। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो होंगी जबरदस्त इंटरेस्टिंग बातें इन दोनों के बारे में। सी यू इन अ व्हाइल। जी हाँ, जिस तरह
हमने वादा किया था कि आज मीडिया पे तारीखी शो होने वाला है, और क्या कहते ना कि वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस जो होता है कि आपकी फाउंडेशन हिल जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे, सटपटा जाएंगे, पगला जाएंगे कि ये आज क्या हुआ शो में, तो कभी नहीं हुआ, ये आज यहाँ कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन टीवी इज अ ट्रेंड सेटर, जो कमाल के ड्रामे चल रहे हैं, वैसे कुछ कमाल शो में भी हो रहा है, और जो हमारी मेहमान है आज, आप बड़े खुश होंगे देख के, हैं जाज? मुझे तो लग रहा है आज मैंने सिर्फ मैं इनविजिबल हूँ आज, मैं मुझे आप समझना, यहाँ कुर्सी रखी हुई है, कोई नहीं बैठा, जो मैंने आप लोगों की बातें सुननी है, नहीं, थोड़ी थोड़ी बीच में चिंगारी लगा के खामोश हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन इज वेरी रिलैक्स, एजाज का कोई मसला नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर इसने साथ में रखा है, ऑक्सीमीटर भी पड़ा हुआ है सारा अपना, आज मैं बस ये देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा डिस्टेंस पे ही बैठू, पता नहीं क्या होने वाला, कुछ नहीं भी हो सकता, लेकिन लग ऐसे रहा है कि कुछ बहुत कुछ होने वाला है। नहीं तो तुम खुश हो या परेशान? नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ कि दोनों आमने सामने बैठ गए हैं आज। नहीं मसला है कि तारीखी शो में एजाज असलम भी हैं, तो वो कह रहे हैं यार ये तो आज मैं भी वायरल होने वाला हूं, मैं आज कहा भी नहीं और कह भी गए, तो हम रिवील करते हैं हमारी गेस्ट को, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी मेरे शो पे आई हूँ, मैं इसके शो पे जरूर आई हूँ, हुआ जरूर होगा, बट आई कांट रिमेम्बर, लेकिन आई एम वेरी, बुलाया नहीं होगा ना उसने, मेक श्योर किया होगा यार ये नहीं आएगा नहीं जब मैं शो कर रही होती हूँ हमेशा वो भी बिजी होती है किसी और चैनल पे उसी टाइम, ये तो आप कवर कर रही हो, यही हो गया, आपने गेस किया नहीं किया, किया पकड़ लिया आपने, जी हाँ हमारी मेहमान है आज शाइस्ता लोदी, अस्सलाम वालेकुम, गुड, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ग्रीन्स पे, ग्रीन एंड व्हाइट, मैंने ग्रीन पहना हुआ है ऑरेंज, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई कोऑर्डिनेशन की थी, दोनों व्हाइट पहन के, दिल से दिल को राह होती है, ओए ओए आप ना भी बात करें तो जबान, अब हर चीज में आज कंटेंट होता है वो दिल से पहुंच जाता है दिल तक, कुछ ना कुछ हम में वैसे है कनेक्शन, क्योंकि सो स्ट्रेंज, हमने डिस्कस नहीं किया था, प्लान नहीं किया, दोनों आज व्हाइट में और एक जैसा व्हाइट, देखें खैर है नहीं, अच्छा एक जैसा व्हाइट पता कैसे चलेगा जब तक खड़े नहीं होंगे तो, हाँ चलो आइए, मैं जाऊं घर देख ले, नहीं आप भी ग्रीन हो, बीच में ग्रीन हो तुम बैठो, मैं बीच में ब्रेक, ये देखिए जी हमारे पे ऐसा नहीं हो सकता कि दो व्हाइट, आप बीच में आए, तो ये रही मैं, झंडा बना दिया हमने, ये है ये ग्रीन और ये अमन, अमन के पुतले, पुतले मतलब इवन जो लेंथ भी है, आप पुतलों को पतले भी कह सकते हैं क्योंकि तीनों ही हैं पतले ही हैं, पतले पतले लोग आ जाए वापस बैठे, हाँ तो हमारा ड्रेस नजर आ गया, हो जाए शाइस्ता ने आज फुल शॉर्ट ही करवा दिया, भाई पहली दफा लोगों ने देखा मैं खड़ी भी हो सकती हूँ, वो तुम्हारा पूरा देखा क्यों किचन विचन में नहीं जाता हम लोग, किचन में बस खड़े होते हैं तब आधी नजर आती हूँ, अच्छा नहीं कि आज फुल शॉर्ट जो है ना पहली दफा हुआ, तो शाइस्ता भी ड्रामा देखा मैंने तुम दोनों का, हाँ जी बहुत ही खौफनाक, तुमसे तो डर लगने लगा आप ड्रामो पे बात करते हुए, यार ड्रामो की मैंने कहा शो से ज्यादा मैं ड्रामा पे बात करती हूँ, तो दोनों का ड्रामा देखा मैं बता रही हूँ, सुनो मेरी बात सामिना, गुलायात, गुलायात कैसा, बहुत खतरनाक रोमांस था, बड़ा मजा आया, एक बेगम आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, तो शायद ड्रामे का कैसे तुम शोज एंजॉय करती हो ड्रामे? एंजॉय तो शोज करती हूँ, लेकिन ड्रामा भी कभी कभी सही है, साल में एक, लेकिन भाई जो ड्रामा मैंने तो खैर शायस्ता के साथ काम किया, लेकिन शायस्ता ने ड्रामा जिस तरह किया ना, एक्टिंग बहुत इन्वॉल्व होके बड़ा मेहनत करके काम, बिल्कुल क्यों ऐसे गुस्से से क्यों देख, ग्रीन पे चल रहा है, नहीं अरे कुर्सी ने बोला, कुर्सी ने बोला, कुर्सी ने बोला, ये चलता रहेगा आज पूरे शो में, कुर्सी में भी सेल डाले हैं किसी ने आके, तो वो मैं कह रही थी कि ग्रीन पे इनका ड्रामा चल रहा है फना, और ये इनकी बेगम बनी हुई है, पहली दूसरी तीसरी, पहली 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 क्या बात, और वो पहली बेगम आखिरी मोहब्बत, पूरा जुमला बोलो, पहली बेगम पहली मोहब्बत, ये है आखिर तक, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, और वो एंड पे जाके ना एक लोगों को बड़ा प्लेजेंट एक सरप्राइज मिलेगा कि वो जो गुलायात का, यहाँ भी काफी सरप्राइज मिल रहा है, अब वो तो मुझे भी मिल रहा है, इतनी प्यारी अभी बड़ा चल रही है, टाइमिंग चल रही है, वाह वाह वाह, कितना लंबा टाइम लगा ड्रामे की शूट में, हम लोग दो महीने हाँ दो महीने में हम लोग कहाँ थे, लोकेशन कहाँ थे क्या मतलब, अरे ड्रामे की शूट पे थे, लोकेशन वो इतनी खूबसूरत है, मरी था, बूरबन था, कहाँ थे तुम लोग भाई, जहाँ भी थे वहां नहीं थे जहाँ आप YouTube पे ले गई थी, याद है, सवाद नहीं थे, सवाद नहीं गए थे हम इस्लामाबाद तक रहे, अच्छा मरी क्या लग रहा है, वो दरख्तों दरख्तों से मरी नहीं, वो हम इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में शूट हुई, तो बेस इस्लामाबाद थे हमारे, लेकिन फार्म हाउस था मोस्टली उसमें शूट हुई, लेकिन कहना क्या चाह रही, मैं क्या कहना, मैं साफ यार मैं कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही कह रही हूँ ना,
क्या तुम्हारे जहन में आ रहा है, लेकिन उसमें जो पश्तो एक्सेंट है ये वो कैसे? वो जो मुझे डायरेक्टर ने कहा मैंने कर लिया। बट वैसे यू आर नॉट पठान आर यू? आई एम हाफ पठान। अच्छा, तो मतलब घर में पश्तो वश्तो कभी नहीं बोली? अब्बा को ये एक्सेंट नहीं मुश्किल? नहीं नहीं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। हल्का सा एक फ्लेवर है, हल्का सा फ्लेवर था उसमें। सबने मुझे मना भी कहा, रिस्की भी है, ये भी होगा, मीम्स भी बनेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, अब क्या नहीं हुआ ये हो जाएगा तो क्या। रिस्की क्यों होगा? रिस्की एक्सेंट कैरी करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा ये था, उसमें हमने किसी और एक्टर ने सच एक्सेंट नहीं लिया हुआ पश्तो, तो वो फिर हमें ये था कि ये एक कैरेक्टर करेगा तो, लेकिन फिर उसका बैकग्राउंड से जस्टिफाई उसको किया। और इसमें इतना फनी लगा, जाज आ रहा है, अब्बा कह रहा है मिस किया मुझे, जिसके पास जा रहा है मिस किया मुझे, बेगम से पूछ रहा है तुमने मिस किया मुझे। क्यों भाई, क्या मसला है, क्यों मिस करें आप? राइटर अभी भी पूछ लो ना, पूछना चाहता है वो, ये देखना चाहता है कि कौन केयर कर रहा है उसकी। अच्छा, इसने इतनी प्यारी बात की, लाइन है सामिना की कि जो सांस ले रही है जरूरी नहीं कि वो जिंदा हो। अच्छे तो थे लेकिन बहुत मुश्किल थे, इतने वो हजम करने वाले नहीं, बहुत मुश्किल था याद करना। लाइंस बहुत अच्छी, बड़ी पावरफुल लाइंस, बहुत अच्छी लिखी। और डिफरेंस क्या है, मजा आता है ड्रामा करते हुए, ड्रामे के माहौल, शो के माहौल में? व्हाट्स द डिफरेंस? शो ये आए, शो किया, आप चले गए, यही तो मजा है इस जॉब में। ड्रामे में आपको ठहरना पड़ता है, ड्रामे में आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है कैरेक्टर में। हाँ, टाइम लगता है। क्या सहना पड़ता है यार, इतना कुछ सहना पड़ता है। एक वॉशरूम इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो सहना नहीं पड़ता? सहना तो है। बहुत मुश्किल है ये भाई। आप दोनों से एक सवाल करूंगा मैं। क्या? दोनों ने बेसिकली तो स्टार्ट होस्टिंग से किया ना, मॉर्निंग शो किए। दोनों कौन है, मेहमान तो एक है? नहीं, आप दोनों आज दोनों से इसलिए सवाल कर रहा हूँ, ये क्यों होता रहा है हर दौर में कि मॉर्निंग शो होस्ट को लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, लोग बड़े जजमेंटल होते हैं। कोई आप अच्छा काम कर दें, थोड़ी तारीफ ज़रूर आती है लेकिन क्रिटिसिज्म भी आता है, और कोई गलती खुदा ना खास्ता हो जाए, इंसान से हो जाती है, तो लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि बस वो फतवे निकल आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आई थिंक हैंड्स एंड दोनों ने आपने फेस किया ये चीज़। आप जब कोई काम करते हैं, हर चीज़ की कॉस्ट होती है लाइफ में, भूखा रहने की कॉस्ट है फिटनेस, तो इसी तरह हर चीज की कॉस्ट होती है आप जो काम करते हैं उस पे, और लोग तो पीपल आर देयर, नहीं तो स्ट्रेस नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस, इवन यू लिफ्ट योर स्पून, तो वो तो स्पेशली लाइव शो होता है हमारे ना, संदीदा तुम मैं हम कोई बात कहते हैं तो उसको ऐसे पकड़ा जाता है बहुत ज्यादा, आई थिंक मोर देन अदर्स, और स्पेशली जब लाइव शो हो रहा होता है तो कई दफा ऐसी चीज होती है जो आपके ध्यान में नहीं हुई, आपने फ्लो में कह दी और उसका कोई वो इंटरप्रिटेशन लोग गलत निकाल लेते हैं, तो उसको उस वो स्ट्रेस हर वक्त का लाइव शो का, फिर उसके बाद अगर प्रेशर तो बहुत होता है, प्रेशर तो सोचें एक होस्ट होने का, क्या एक्टर होने का, या कोई भी थोड़ा भी अगर आपके पास फेम है तो फेम आपको प्रेशर देता है। आप देखें, हम जाते हैं ग्रोसरी करने, लोग पूछते हैं अच्छा आप ऐसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है, अच्छा आप मतलब क्या हो गया भाई, ग्रोसरी हम बहुत दुबली हो गई है, डायबिटीज तो नहीं हो गई, लेते होंगे। उस वक्त भी हमें प्रेशर है कि ओ आप बहुत अच्छा तैयार होके निकले भाई ग्रोसरी करने जा रहे हैं, ताकि कोई दूसरा देख के आपको ये ना बोले अच्छा टीवी में तो ये ऐसी नजर आती है, असल में तो ये ऐसी है। तो प्रेशर तो हर चीज का होता है, प्रेशर तो आपको ये भी है कि ओ अच्छा आप एक खातून है जो एक्सपोज है, नजर आती है स्क्रीन पर आपके बारे में, नास्टिक मैं कुछ भी बोलूं, मेरे पास लाइसेंस, मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी उठा के बोल दूं। हाँ, असल में पता पहले नहीं होता था, पहले खत आते थे, ईमेल्स आती थी, तो लोग ना तमीज के दायरे में रहते थे। अब जैसे ही वो बंदर के हाथ में माचिस वाली बात कि कमेंट्स करने का उनको मिल गया, जब सामने आते हैं इतनी अच्छी तरह मिलेंगे, लेकिन जब कुछ कमेंट्स करते हैं तो कुछ कुछ लोग बहुत क्रूर हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई देख नहीं रहा। हाँ, एक रीजन मुझे लगता है ये भी होती है कि आप हफ्ते में 5 दिन स्क्रीन पर आ रहे हैं, 2.5 घंटा सुबह कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन टाइम, रात को रिपीट हो रहा है, यू बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, और लोग फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। देखो लोग उसी के बारे में वीडियो बनाते हैं जिसका इंटरेस्ट हो, और व्यूज आएंगे और लाइक्स आएंगे और जो भी आएगा, ये व्यूज और लाइक्स तो अब हमारी कोई बात होती है ना, वो तो लोगों ने वो जरूर पढ़नी है, देखनी है, सुननी है सारी वीडियो, हर शायस्ता ने नादिया के बारे में, निदा के बारे में क्या कहा, मैंने निदा शायस्ता के बारे में क्या क्या, तो वो एक इंटरेस्ट। और एक ये भी बड़ा एक माइंडसेट है कि लोगों को लगता है जो भी मॉर्निंग शो होस्ट है इनकी आपस में नहीं बनती, ये आपस में एक दूसरे को, वो लोगों को लगता है लोगों को परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है, और ना आज यहाँ बैठी नहीं होती तो क्योंकि मेरे शो पे आएंगे
तो वो बोलिए उसके शो पे आए थे, वो ये कह रही थी तुम्हारे लिए। हाँ ओहो हाँ, है ना, सबसे बड़ी पापा कुटनिया तो हमारे अपने मेहमान होते थे जो लगा रहे होते थे ना कुछ। कभी ऐसा हुआ कोई इंसिडेंट तुम लोगों ने आपस में क्लेरिफाई? बहुत सारे लोग हमारे अपने इंडस्ट्री के दोस्त बहुत सारे लोगों ने आके इनके शो पे जाएंगे कुछ और कहेंगे, मेरे शो पे आएंगे उनके शो पे जाएंगे, तो ये आपस में चलता है। आता था जब किसी ने कहा नादिया ने ये कहा है तुम्हारे बारे में, इंसान गुस्सा आता था, बहुत गलत भी लगता था और जेलेसी भी आती थी फ्रेंकली। क्योंकि आपको बताया जिस तरह जा रहा होता था, इंसान है आप, फरिश्ता तो नहीं है ना आप बैठे हुए, कॉम्पिटिशन ये है कि एक ही टाइम स्लॉट है और आपको ये रेसिंग की जो जंग है रेटिंग की, तो उसमें हो जाता है। नादिया आप जेलस होती थी कभी कोई आके बोलता था शाइस्ता ने ये कहा है? मुझे रोजा लग रहा है, मुझसे सवाल नहीं करो। नहीं, सच बताना है, रोजे में सच बता दिया ना? नहीं, या नादिया ने क्या मतलब कि तुम्हें किसी ने आके बोला भाई शाइस्ता ने ये बोला आपके बारे में, गुस्सा आता था? बिल्कुल आता था। एक तो ये कि हम लड़कियां हैं और लड़कियों के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं कि हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, और मैं हूं भी इंपल्सिव, बिल्कुल तब चढ़ती है क्योंकि आप कम्पीट कर रहे हैं और चैनल्स की तरफ से प्रेशर है, फिर आपको जो गेस्ट आके चढ़ा रहा है और वो बोल रहा है आपको, बिल्कुल होता है। एंड आई थिंक आई वाज वेरी इमैच्योर, हमारी एज बड़ी यंग थी उस वक्त जब हम शो सो के। मुझे याद है कि नादिया की अम्मी की डेथ हुई और यानी इतना बीच में डर्ट आ चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कंडोलेंस के लिए कैसे कॉल करूं। सही बात। और मैं खुद एक बेटी हूं और मुझे अंदाजा है कि क्या वक्त होता है वो एक बेटी पर, एक ऐसी बेटी जो ऑलरेडी इतने इमोशनल टर्मोइल और चीजों से गुजर, तो वो उसको लगता है ऊपर नीचे सब चला गया। और मैं कॉल करना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत, समझ में नहीं आता था कि मैं क्या अल्फाज, मतलब मुझे उस वक्त लगता था मैंने कॉल बड़ी हिम्मत करके की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा शाइस्ता ने जब कॉल की, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो और लोग हैरान होंगे कि हम अक्सर मिलते हैं और हम जब बैठते हैं इतनी बातें करते हैं ना, ऐसे मजा आता है, बहुत सारी बातें, और हम लोगों की एक अजीब बताऊं टाइम एंड स्पेस में मेरी और शाइस्ता के अप एंड डाउन जो लाइफ में आए ना ऑलमोस्ट साथ साथ, चाहे वो डिवोर्स हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शो के मसाइल, बच्चों के प्रॉब्लम, दूसरी शादी चीजें, ये हमारे बहुत टाइम एंड स्पेस में कुछ अजीब सिमिलैरिटीज हमारी लाइफ में, इसलिए हम जब भी कहीं बैठते हैं तो हम जो पटाखा बातें शुरू करते हैं ना, आ हा मजा आता है, दिल हल्का कर, बिल्कुल। और एक पॉइंट, एक टाइम ऐसा भी था नादिया और शाइस्ता के, मॉर्निंग शो होते थे हर चैनल पे होते थे और दो या तीन तुम लोग दो प्रोमिनेंट होस्ट थे, एक आध कोई वैसे होता था होस्ट के लिए, बट मेन ये होता था कि नादिया है और शाइस्ता है और रोटेशन होती थी। कभी नादिया ने एक चैनल छोड़ा तो फिर सबको पता होता था फिर शाइस्ता ही यहाँ आएगी, फिर वो शाइस्ता ने वहाँ छोड़ा तो नादिया ने ही जाना है, तो ये रोटेशन चलती थी। इसमें तुम लोगों को डिस्टर्बेंस होती थी कि यार अब देखना मैं यहाँ से मैंने छोड़ा है अब ये शाइस्ता आ जाएगी, या शाइस्ता कहती है देखना अब यहाँ नादिया आ जाएगी, तो वो एक साइकोलॉजिकल भी तो जंग होती है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता है ना, ओ ये तो नादिया खान की सीट थी, यहाँ शाइस्ता आके बैठ गई है तो अब रेटिंग भी उतनी लानी है, अब लोग जज भी कर रहे हैं, वो प्रेशर एक अलग कि अब नादिया चली गई है मुझे भी उस लेवल पे लाना है, या नादिया को लगा कि शाइस्ता जान छोड़, लिटरली ये भी होता था कि ब्रेक्स के दौरान दूसरा चैनल लगा के जहाँ शो हो रहा है, अच्छा उस शो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब ऐसा एक अजीब दौर था वो, ओ माय गॉड, इट वॉज ऑनेस्टली मैं कहती हूँ ये सारे ड्रामे हर चीजें एक तरफ, सारा फोकस वॉज ऑन मॉर्निंग शोज, चैनल चल रहा होता था उसके रेवेन्यू पे, तो इसलिए कंपटीशन बहुत था और हमें प्रेशर भी बहुत बहुत प्रेशर मिलता था, पर्सनल लाइफ में अलग जलील हो रहे होते थे लेकिन प्रोफेशनल में अलग इतना होता था प्रेशर। मॉर्निंग शो को हल्का इस तरह से नहीं ले सकते बिकॉज मॉर्निंग शो एक चैनल का फेस होता है और बहुत ही फेस ओरिएंटेड या होस्ट ओरिएंटेड शोज होते हैं ये जो चलते हैं, वो आपकी होस्ट की वजह से चल रहे होते हैं, वो आपके चैनल की सुबह करती है, सुबह खोल मतलब एक दुकान हर घर में आप, हर घर घर में आपकी सेव भाई, तो वो आप इतना आपकी अपनी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं, नाश्ता करके नहीं गया, ये स्ट्रेस है, लेकिन आपने कहा ना अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड ये, और वो लाइव है तो टाइम बिल्कुल टाइम उस पे जाना है आपको, सारी जिंदगी उसके हिसाब से सेट है, एक आंख बनी हुई और एक आंख नहीं भी बनी, क्योंकि मुझे याद है
8:15 मेरे बच्चे निकलते थे, स्टूडियो का रास्ता 15 मिनट का था, और मैं बच्चों को रुखसत करके ना माँ वो रुखसत करके नहीं नहीं जाएंगे, फिर नाश्ता करवाऊंगी अपने हाथ सर पे, और उसके बाद मेरी एक आंख बनी होती थी, एक बनी होता था, और सब मुझे कहते वो देखे वो यू उस चैनल पे जो बैठी है उन्होंने वो किया, आप टाइम ही नहीं होता था तो क्या करें। कभी कभी ये भी होता था कि हम ऑन एयर चले जाते थे, पीछे जो वो मेकअप आर्टिस्ट है पीछे से बाल टीज कर रही है, टक 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 टक, बाल नहीं बने हुए, बट क्या करिए माओ के प्रेशर्स होते हैं भाई। अच्छा अभी पिछले दिनों एक ड्रामा भी बना जो मॉर्निंग शो होस्ट के ऊपर बनाया, बहुत बोल्डी, और उसमें कुछ बातें वाकई मुझे देख के तो दुख भी हुआ कि दिस वॉज टू मच, क्योंकि बहुत पर्सनल अटैक करके मॉर्निंग शो होस्ट को बहुत बहुत नेगेटिव दिखाया है तुमने, बहुत डीमिंग इंसल्टिंग आल्सो इन सम वेज, तुम्हें देख के वो ड्रामा गुस्सा चढ़ा या कोई पार्ट्स ऐसे लगे कि क्यों उन्होंने ऐसे ना दे? मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता, मुझे हंसी आती है, क्योंकि हर वो औरत जो स्ट्रांग है, हर वो औरत जो वोकल है, उसका मजाक उड़ता है, दैट्स ओके। अच्छा मैंने वैसे तुम दोनों के साथ वाहिद मुझे लगता है मैं शख्स हूँ ज्यादा काम किया है, एज एन एक्टर भी को होस्ट भी बहुत काम किया, तो मैंने तुम लोगों की जर्नी जो है ना शुरू से ऑब्जर्व की है, और मैंने तुम लोगों की ग्रोथ देखी है, तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आप दोनों रोल मॉडल्स हैं, और इस वक्त जिस जगह पे हैं आप लोग दोनों बहुत काम करती हो, तुम दोनों इतना काम, वैसा लगता है सुपर वुमेन हो दोनों, बिजनेस भी चलाना है, जो सोशल मीडिया अपने चैनल्स हैं वो भी चलाना है, एक्टिंग भी चल रही है, होस्टिंग भी चल रही है, तो ये वक्त के साथ साथ तुम लोगों ने ये नहीं कहा नहीं यार बस अब ये छोड़ देते हैं, एक चीज के बाद दूसरी चीज, सो यू केप्ट ऑन ग्रोइंग, आपने ऐसा नहीं किया दोनों ने कि कहीं एक पॉइंट पे आके छोड़ दे, तो ये तो बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है, अगर आप लोगों के ऊपर अलग से कोई फिल्म बनाई जाए। मेहमान बताएंगी जी शायस्ता जी बताएं। तो मुझे लगता है कि बहुत एक मोटिवेशन है, तुम लोग तो आम औरतों के, मुझे लगता है शायस्ता फिजिकली जो है ना एक्सर्शन वाला काम ज्यादा करती है, तुम भी करती हो तुम्हें आईडिया नहीं होता, ये ज्यादा करती है, ये क्लिनिक्स वगैरह चलाना बहुत थकाने वाला है, एक्सर्शन डिफरेंट टाइप की होती है। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में गई और मैंने देखा नादिया अपनी किसी फ्रेंड के साथ, दो एक और लोग थे, और आई कुड सी दैट शी कुडंट एंजॉय मील बिकॉज शी वाज कंटिन्यूअसली डूइंग दिस एंड दैट, ऑब्वियसली जो अपने काम होंगे सारा लिंक करना, एडिट ये करो वो करो, आई कुड सी दैट, बट उस पूरे रेस्टोरेंट में किसी और को ये नहीं मालूम था कि वो बंदी वहाँ जो बैठी हुई है वो काम कर रही है, वो इंजॉय नहीं कर रही वो कंपनी, यानी हमारी गुर्बत देखें कि हम खाना खा रहे हैं जिसके जिस खाने के लिए हम इतना काम करते हैं हम उस खाने को नहीं इंजॉय कर पाते, वो कंपनी जो वहाँ बैठी हुई थी उनमें से भी तो आपसे कुछ ना कुछ किसी किसी तरह हम उस कंपनी को भी नहीं इंजॉय कर पाते, तो लेकिन लोग बात बनाने के लिए तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं, अरे यूं फला फलो, आपको जो पता ही नहीं है, आप उनके जूते में कभी आपने पैर रखा ही नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे जजमेंटल हो सकते हैं। नहीं वेरी ट्रू, सिंगल मदर है हम, कितना अरसा कमाना, बच्चों को संभालना, उनके खर्चे पढ़ाना, और बहुत सारे मसाइल होते हैं बच्चे में, ग्रोइंग अप हम टीनएजर्स बच्चों के भी मसले डिस्कस करते हैं। एक मुझे चीज बताओ शायस्ता, एक सवाल जिसका जवाब मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझसे पूछते हैं तुमसे भी पूछते होंगे, आप मॉर्निंग शो क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल? सच्ची वाला जवाब, बिल्कुल। अच्छा अब ना मुझे इतने पैसों की जरूरत रही नहीं है नहीं बच्चे मेरे वो वाले स्टेज से निकल आए हैं जहाँ मुझे एक साथ बहुत सारी पैसे चाहिए, स्कूल और घर चल रहा था, बहुत सारी चीजें, अब अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर स्टेबल इन माय लाइफ फाइनेंशियली एज वेल, अल्लाह का शुक्र, तो अब मैं और इतनी सारी चीजों में हूँ कि मैं उतना टाइम निकाल नहीं पाती मॉर्निंग शो, अदरवाइज आज भी अगर कोई मुझे अच्छा मॉर्निंग शो ऑफर करे, जैसे मुझे पीटीवी ने ऑफर किया और मैंने प्रॉबेबली 1 साल 10 महीने किया, हालांकि उसमें फाइनेंशियली शायद उसका कोई गेन ही नहीं था बल्कि लॉस था, टाइम ज्यादा जा रहा था, हाँ हाँ लाइक एनर्जी लॉस था, क्योंकि मैं सुबह उठती थी, बाय द टाइम आई यूज्ड टू गो टू माई क्लिनिक माई एनर्जी वॉज हाफ ड्रेन्ड ऑलरेडी, तो लेकिन अभी नहीं मैं करती थी, लेकिन अभी मुझे एडिक्शन अभी अच्छा, लेकिन वो बात पूरी रहेगी कि अभी तुम्हें ऑफर करेंगे तुम करोगी या नहीं करोगी? हाँ अगर अब मेरी मर्जी की चीज करने देंगे तो करूंगी, करूंगी। ये क्या बात, तो पहले तुमने कहा कि अभी मुझे अब जरूरत नहीं है मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर अच्छी ऑफर आएगी तो मैं करूंगी। एडिक्शन वही तो समझा रही हूं क्या मतलब है करेगी, अच्छे शो की नजर है, एडिक्शन है एडिक्शन, लेकिन अच्छे शोज क्यों नहीं, चैनल्स पे मॉर्निंग शोज क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है?
वैसे क्या होना चाहिए, अच्छे शो का क्राइटेरिया क्या? अभी तक अच्छे शोज होंगे, हम दोनों करेंगे तो हम क्यों नहीं कर रहे? अच्छे शो का क्राइटेरिया क्या? ड्रामे की अहमियत अपनी जगह, रेटिंग आप ड्रामे से ले लेते हैं, मगर चैनल को आज भी आइडेंटिटी देने के लिए उसका शो होता है, और वो शो जो लाइव होता है। रिकॉर्डेड शो कभी चैनल को आइडेंटिटी नहीं देता। मेरे पास बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं जो सवाल कर रही हूँ ना, वो कभी कभी हम दोनों से भी होगा, लेकिन मैं सवाल भी करूंगी, जवाब भी दे सकती हूँ। अच्छा, हम में किस चीज का मुकाबला होता था शायस्ता? कपड़ों का, मेकअप कैसा है, बाल कैसे हैं, बस यही तक रहते हैं हम, आगे तो जाते ही नहीं। यार मुझे लगता है कि गेस्ट का भी बड़ा मुकाबला होता था कि यार वो देखो गेस्ट यार उधर आ गया, वो उधर पहले क्यों आ गया, ये इधर आए, ये इधर होने चाहिए थे। हमारे यहाँ तो गेस्ट का भी मुकाबला होता था, और क्या होता था? रेटिंग, रेटिंग मुझे लगता है जब से आई है ना, तब से बकवास तब शुरू हुई है। उससे पहले फोकस ग्रुप था, कितना सुकून होता था, सबके शोज देखे जा रहे हैं, सब कंटेंट पे भी होता था। अच्छा, वो क्या कंटेंट कर रहे हैं, आप वो क्या नई चीज कर रहे हैं, नई चीज डिफरेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेटिंग आ गई। लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है वो ये कि इसके पीछे एक बड़ी सैक्रिफाइस होती थी होस्ट की, जल्दी सोना, नो सोशल लाइफ, अगले दिन जो गेस्ट आ रहा है या जो टॉपिक है उसके ऊपर रिसर्च करना, वो सब बड़ा शॉर्ट टाइम होता था। तो आप लोग किस तरह प्रिपेयर करते थे अपना शो दोनों? हाँ जी, क्या अपना शो कैसे प्रिपेयर करती थी नेक्स्ट डे के लिए, क्या करना है उसके पीछे, क्या पीछे सैक्रिफाइस क्या थी? जल्दी सोना, तुम तो दुबई में थी ना, अरे बड़ा प्रेशर था, टाइम यहाँ से मैच करना है। क्योंकि मैं जरा सख्त प्रोड्यूसर भी थी उसमें सारा, मैंने सबको कहा हुआ था कि बाथरूम में भी फोन लेके जाना, मेरी टीम का किसी वक्त फोन ऑफ नहीं हो सकता था, इंक्लूडिंग माई ओन। तो इसलिए आप हर जगह फोन चीजें चेंजेस आ रहे हैं, हमारा तो नहीं कि वीजा दुबई, गेस्ट आ गया, गेस्ट दरवाजा नहीं खोल रहा, मारा दरवाजा तोड़ दो उसका। जी वो कल पार्टी पे गए थे, बड़ी देर से वापस आए हैं, मैं क्या करूं, दरवाजा तोड़ दो। तो जा रहे हैं नीचे होटल से, मास्टर की निकाल रहे हैं, मैनेजर साथ जा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, उठा रहे हैं, उठो भाई शो है। तो बहुत सारे प्रेशर और हर चीज पे आई यूज टू बी इन्वॉल्व। तो मेरा तो वो, आप यकीन करें, कहीं जा भी रहे ना, दावत कुछ मेहमान है, दिमाग में शो चल रहा होता था, कल का शो, परसों ये, वो ये, all the time it consumed us. I think it was a bit too much. बहुत consumption होती है, ज़्यादा ही था। और फिर रोज़ एक नया topic discuss करना है, उसपे बात। ये मैंने कभी try नहीं किया ना, मैंने 6 महीने try किया, देखा देखी, मैंने कहा मैं भी producer बनती हूँ ना, पर तौबा करें जी, host होना ही बहुत बड़ी बात है, producer मेरा कोई जिम्मा नहीं है, किसने आना है, क्या करना है, क्या नहीं, मैं आके बैठ जाऊंगी तैयारी करके अपनी। लेकिन आपकी सोशल लाइफ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, आप अपने अपने घर वालों से नहीं मिल पाते, अपने बहन भाइयों में नहीं जा पाते, अपने कजन्स में, अपनी फैमिली गैदरिंग्स में, बिकॉज आप तो ऑफ हो जाते हैं 9 बजे के बाद, तो कंप्लीट साइलेंस है आपकी लाइफ में। और अगर नहीं है तो सुबह फिर आप शो नहीं कर सकते, सूजी आँखें हैं, आधा दिमाग चल रहा है, नींद पूरी नहीं हुई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी, तो ये सब सारी चीजें रहती है। और फिर ट्रैवल करना मुश्किल, लाइव शो है, आप कहीं ऑफ नहीं ले सकते, बिल्कुल सालों साल ही नहीं। अब थोड़ी सी घरेलू बातें करते हैं, तुम बताओ खाना वाना बनाती हो अफतारी में, खुद कुछ काम करने से मुश्किल काफी है? मैंने कभी, मैं जब बहुत छोटी थी तब से ही मैंने ऐसे काम किए नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, खाने का बड़ा शौक है, लेकिन बस अगर पड़ जाए बहुत ही मसला तो अंडा बना के खुद खा सकती हूँ, ये भी किसी और के लिए नहीं बना सकती। बच्चे कहें कि मम्मी भूख लग रही है कुछ बना दे, बच्चे हाथ जोड़ते हैं। एक दो दफा हम ऐसी वेकेशंस पे गए जहाँ मैंने कहा तो मुझे फ्री हुई हूँ, मैं जाके ग्रोसरी करूंगी, खुद बनाऊंगी नाश्ता, तो मेरे बच्चे ने कहा बात सुने, ये औकात नहीं है आपकी, मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तो मैं उसके बाद फिर एफर्ट ही नहीं करती, मैं कहा ठीक है। अच्छा, जो होता था पहले होता था अम्मी कुछ बना दे भूख लग रही है, अब ये नहीं, मैं वो वाली अम्मी तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल वो वाली मम्मी नहीं, नो 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 नो, अब तो ऑर्डर बना देना मम्मी आपके हाथ की बिरयानी, ओ दुनिया में कोई नहीं बना सकता मम्मी, शायद मम्मी आपके हाथ की जो निहारी है ना उसका तो मजा ही कुछ और है। अब बाजार से आ जाता फौरन, ये कुछ ज्यादा हो रही है मेरे लिए, मैं निहारी नहीं, ये मेरी एक तरह की कह ले, मेरे में ये सलाहियत नहीं, किसी और तरह की होगी, लेकिन खाना वाना मैं सब सारे काम मैं ही करूँ। हाँ, ऐसे थोड़ी है। कौन से काम करके तुम्हें अच्छा लगता है करना? घर पे रहना बड़ा बुरा लगता है मुझे, घर पे रहना नहीं, नहीं घर पे रहना, स्त्री 50 कपड़े, स्त्री टाइम का होता है। हाँ, मुझे स्त्री करना बड़ा मजा आता है, मुझे नहीं पसंद ये। वो स्त्री भी इसलिए करती होगी कि चलो एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, और इंडोर प्लांट मेरा नया शौक। हाँ, नया प्यार आजकल मुझे इंडोर प्लांट से हो गया। तो मच्छर नहीं आते बहुत कमरे में? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ मुझे सब कुछ पता है कैसे उसको ठीक करना है, क्या करना है। लेकिन शायद तुम्हारा बिजनेस जो है, अरे बात तो करने दो ना, घर वाली नहीं, और घर के काम, और घर के बताओ, उसी पे आ रहा हूं। और मुझे ये याद होता है, मतलब सोचिए, मैंने अनवर मकसूद साहब की जो बड़ी बहन है तो जहरा निगाह,
उन्होंने अपनी शायरी में लिखा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है कि जी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं एक वक्त में अपनी माँ को याद करती थी कि वो पौधों से बातें करती थी। मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी बड़ा अजीब लगा, यार पौधों से बात करना क्या। एक दफा मैंने अब्बा को भी देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या सीन हो रहा है, मतलब पौधों से बात नहीं कर रहे लेकिन ख्याल बहुत। अब मुझे लगता है मैं उधर जा रही हूँ, पौधे मुझे अब अगर मेरे घर में और मेरे बेडरूम में या मेरे वॉशरूम में या मेरे कहीं भी लाउंज में कोई एक पौधे में नया पत्ता भी निकलता है तो मुझे पता होता है कि यार ये नया पत्ता। मैं तो पता मैं इसको एंजॉय करती हूँ, मैं पत्तों से बात करूँ फैसल नाराज हो जाए। जैसे वो जाते हैं, अच्छा मेरे लिए कोई टाइम नहीं, पौधों के लिए टाइम है तुम्हारे पास। मैं तो सॉरी पौधों को टाइम नहीं तो पौधे से भी पूरी कॉन्वर्सेशन करोगी ना कि भाई यहाँ भाई क्या हाल है, क्या आज क्या हुआ, मुरझाए हुए क्यों हैं। लेकिन जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट जवाब करेगी खुद ही सवाल। लेकिन जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी एक जुबान होती है, उसका अपना एक एक्सप्रेशन होता है। ये पौधों की कौन सी जुबान होती है? नहीं, एक्सप्रेशन लिविंग थिंग है ना, नए पत्ते निकलते हैं। कहते हैं आप पौधों से बात करें तो वो ग्रो करते हैं। मैं अपने आप से बातें करती हूँ कभी कभी, फिर बच्चे कहते हैं मम्मी एक पौधा हो। आई ओके, ये मेरे अंदर बचपन से है कि मैं अपने आप से बातें करती हूँ। ये तो हेल्दी है मेरे ख्याल, अपने आप से बात करना है। बस अपने आप को पौधा ही समझो, हेल्दी आई एम अ पौधा, आई हैव नो पत्ता। तुम मुझसे बातें करो शायस्ता, मैं भी हरी भरी ग्रीन हो जाऊंगी। No, no, you're already green. हम सारे green हैं। अच्छा, तुम्हारा जो brand है उसकी तरफ आते हैं, वो उस पे कैसे स्विच किया, क्या सोचा? वो SL Naturals है और SL Basics, दो brand है ना तुम्हारे। स्किन केयर फिर खाने की चीज़। स्किन केयर में हमेशा से मेरा इंटरेस्ट था, हमेशा से, और खाने पीने में इतना नहीं है जितना आपका है, लेकिन आपसे भी बहुत कुछ सीखा। और खाने पीने में मुझे ये होता है कि हम सही चीज़ खा रहे नहीं खा रहे, तो उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। जब उस पर की तो वो इतनी इंटरेस्ट बढ़ गई कि यार ये तो हम जहर खा रहे हैं, ये कौन सी मुर्गी है जो हमें खिलाई जा रही है। उसके बाद फिर तो ये जो तुम्हारे ब्रांड्स हैं इसमें ये प्रेशर होता है ना कि भाई एक सेलिब्रिटी कर रहा है तो वो चीज ऑथेंटिक। ये भी प्रेशर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक इस तरह का प्रेशर है कि आप उधर भी तो जवाब दे हैं ना, आप तो आप लोगों को जो दे रहे हैं वो वापस आपके पास भी आना है, इधर ही सब कुछ मिल जाएगा जो दे रहे हैं आप। नादिया कोई चीज यूज करती है तुम्हारी? नादिया तुम यूज करती हो कोई चीज है? कोई खाने की, लगाने की? इसका मतलब है भेजे ही नहीं तुम? वेरी गुड, सबको भेजे ही है। वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाइस्ता ने सबको पैकेज रुक जाए, कैमराज बंद करें। नादिया यहाँ मुझे वादा दो कि मैं तुम्हें बेसिक्स की प्रोडक्ट्स भेजूंगी और तुम वीडियो बनाओगी, वही व्लॉग बनाओगी जैसे खूबसूरत अंदाज से तुम बनाती हो। तुम पैसे दोगी? ये देखो यहाँ बिजनेस, ये देखो अमीर औरत, यहाँ बिजनेस शुरू हो गया। 10-10 क्लिनिक है तुम्हारे, तुम पेमेंट नहीं करोगी मेरी? यार ये देखो मेरा कौन सा क्लिनिक है। आप फौरन कैमरा खोल दे। हाँ नादिया दे दूंगी, कितने मांगोगी? बस ठीक, फिर मेरी जान ऐसी वीडियो बनाऊंगी वायरल हो जाएगी। पैसे तुम्हें ले सा, अमीर डॉक्टर खा के खामोशी के बाद तो मुझे डर लग रहा है इस सवाल। मुझे बता दो, मैं पूछ लेता हूँ। जब तुमने अपने शो में देखो सांप वाली बात ना करना, सबके सामने सांप को पपी की, तो तुम्हें घिन नहीं आई? नहीं, डर नहीं लगा? डर थोड़ा सा लगा था, लेकिन खैर है। यार ये जब उस दिन हुआ ना, मैं कब बस खत्म, ये बंदी यार कोई किसी और सियारे से आई है, छोड़ दो बस। इट वाज वेरी स्केरी। फिर शेर, फिर शेर आ गया उसके बाद? नहीं नहीं, मैं कोई शेर वेर नहीं कुछ आया था, एवी गिमिक, कोई शेर वेर। लेकिन सांप, मैं कहती हूँ मैं जब शूट करती हूँ ना, अगर सांप डॉली में याद है आया था सांप, मैंने कहा मेरे घर जाने के बाद शूट करना कि इवन मतलब पटारे में भी ना आए, मुझे इतना खौफ, शदीद खौफ है सांप से। तुमने पप्पी कर ली? हाँ, मुझे तो उसको ना सांप को इंजेक्शन लगाया हुआ था। ये हामिद मीर साहब ने कहा था ना, सांप उस वक्त से टुन घूम रहा है। हामिद मीर साहब कहते हैं सांप उस वक्त से टुन घूम रहा है। टुन घूम रहा है ना। नहीं वैसे सही, तुमने कोई बोटॉक्स वोटॉक्स लगा के उसको फ्रीज कर दिया था? जब फजूल मुंह ना खाई, उसको इंजेक्शन लगाया कि मुंह ही ना खोले, ऐसे हो रहे हैं। मैं तो खुद शाइस्ता ने उस पे बोटॉक्स, पहली दफा शाइस्ता ने बोटॉक्स उस सांप को लगाया था। अल्लाह
आदमी ऐसे घूम रहा है, मुझे पता भी नहीं था। कह रहा शाइस्ता बोटॉक्स बेस्ट, आज भी वही इफेक्ट। पता नहीं कहाँ होगा वैसे सांप ना। नहीं लेकिन उसको लगाया था नशा वशा? नहीं भाई कोई नशा वशा नहीं, मुझे वो वकार जकान बहुत परफ्यूम लगाती है, तुम परफ्यूम नहीं लगाना। मैं डर गई परफ्यूम नहीं लगाना सांप को परफ्यूम। अच्छा उसने इंस्ट्रक्शंस दी थी, इंस्ट्रक्शंस दी थी कि परफ्यूम नहीं लगाना कल सांप आ रहा है। और इधर उधर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, यूं यूं नहीं करना, तो मुझे यूं रहना था। इसीलिए अगर गौर से वीडियो देखो तो मैं स्टिल थी। मुझे लग रहा है वो तुम्हारी आंखों में खो गया, कराटे किड में सांप को गौर से देखो ऐसे करो तो सांप आपको मिमिक करना शुरू करता है, वो शायस्ता को कॉपी कर रहा था। बस ठीक है फिर मैं इस पे खुश हो लेती हूँ। अगर वो काट लेता तो तुमने सोचा? छोटे नहीं 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 तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं था उसके। देखो उससे वो ये सब एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैंने बहुत पढ़ा था सांपों के बारे में। हाँ और वो पाइथन था बेसिकली, और उसके ना उसके जो ग्लैंड्स होते हैं जबान के नीचे, सांप के जो पॉइजनस थैलियां होती हैं तो वो होती हैं, वो निकाली हुई थी। अगर काटता भी तो मैंने कोई मर नहीं जाना था, ये तुम लोगों ने आज मुझसे कहलवा दिया। मैं तो वहां खड़ी होती थी मैंने मर जाना। लेकिन फिर भी सांप के दहशत तो होती है ना, वही ना शदीद। उफ लेकिन होते हैं मतलब कुछ कुछ खवातीन को ना बहुत इस तरह से रेप्टाइल्स और उनसे, जैसे मेरी अम्मा छिपकली नहीं देख सकती। हाँ। और मैं छिपकली को मतलब मुझे कुछ होता ही नहीं है। तो मार देती होगी इसको ऐसे करके? नहीं मारती नहीं, उन्हें छिपकली को मारती नहीं, निकाल के इसको बड़ा हाथ। मुझे कभी डर नहीं लगता, मैं कह रही रह रही बेचारी रह रही है तो ठीक है। तुम्हें डर नहीं लगता? यार कौन सी, मेरा एक फोबिया है एक्सट्रीम एंड दैट इज बर्ड फोबिया, और वो भी मैं बचपन की। Oh my God, एक बंदी है जो शेर से नहीं डरती, हाँ छिपकली से नहीं डरती, क्रोकोडाइल से शायस्ता नहीं डरती, डरती है तो परिंदों से जो कुछ नहीं करती। आपने मेरा अगर डांस देखना है तो मुर्गे लिया है, है हमारे पास। गाना कौन सा लगा? ओ मेरे खुदा। ये चीज बताओ तुम्हारा आज का जो ग्रीन थॉट है शायस्ता लोधी वो है फ्रॉड। फ्रॉड तो हाँ, हाँ। और जब फ्रॉड की बात करें तो एहसान खान का नाम भी आता है जहन में। एहसान खान से बड़ा फ्रॉड तो कोई नहीं है। ड्रामा यार एकदम सस्पेंस खराब कर दिया तुमने, समझ जाते हैं लोग। हाँ तो इतना कामयाब फ्रॉड एसन, लेकिन इसके अलावा वैसे बताओ लाइफ में कभी फ्रॉड हुआ, किसी ने धोखा दिया बिजनेस में, वैसे पर्सनल लाइफ में? वो तो थोड़ा बहुत तो सबके यहाँ चलता है, इमोशनल फ्रॉड्स हो जाते हैं आपके साथ, तो हाँ ऐसा हुआ। बट ठीक है, मुझे मेरे अंदर एक बहुत अच्छी बात अल्लाह ताला ने पैदा कर दी, जबकि मुझे लगता था कि यार ये मेरा मेमोरी लॉस, शायद इतने सारे टर्मोइल्स और इतनी सारी लाइफ की एक्सरसाइजेस से गुजर के हुआ है, मैं बात भूल जाती हूँ यार। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है, आप अगर लोगों की बुरी की हुई बातें अपने साथ भूल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आप दूसरों के साथ अच्छा करके वो भूल जाएं वो भी अल्लाह ताला तेरी एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा अब असली बात बताओ कि फ्रॉड की बताओ, वो हुआ? नहीं ना याद ही नहीं है इसीलिए तो बता रही हूँ। याद ही नहीं है? कोई भी कोई पैसे लेके भाग गया हो? मुझे याद है एक लॉयर से मेरी बात हुई और मेरा एक कोर्ट का केस था, तो मैंने कहा देखें सर ये इस तरह, तो मैं बहुत दिन से कभी बात नहीं की थी बिकॉज वो नोन फेस होता है, आप पब्लिक में आ जाती है बात, मैं नहीं चाहती इसको इस तरह। उन्होंने कहा बिल्कुल गारंटी, मैंने नाजियासन का ये फला यूं फला यूं फला, उन्होंने अपने इतने मुझे बताई अपनी चीज़ें। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे अंकल है यार, प्रोफाइल अच्छी, इनसे बड़ा हाँ ज़बरदस्त। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको अपना केस दूंगी। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, मुझे मेरी फ्रेंड को कॉल करके उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कल 5 बजे मेरे ऑफिस आ जाइएगा। तो मैंने कहा अच्छा आपके ऑफिस में पब्लिक ज़्यादा तो नहीं होगी? नहीं तो सर हम ऐसा करते हैं कहीं बाहर मिल लेते हैं या आप मेरे घर आ जाएं। कहा नहीं नहीं आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है ऑफिस, मैं 5 बजे ऑफिस पहुँच गई, बाहर 100 लोग बैठे थे और हर एक को ये पता था कि मैं आने वाली हूँ, और कैमरामैन भी मौजूद था। शायस्ता लोधी का केस हम लड़ेंगे, वो अपनी मार्केटिंग मतलब मैंने कहा वहीं से निकल गई वापस, आपने तो कुछ और वादा किया था। हाँ और उसके बाद लिटरली आई डोंट नो इफ यू आर लिसनिंग टू इट, वो मेरे घर आए, फिर उसके बाद मैंने उन्हें केस एक्सप्लेन करना था, उससे पहले उसके बाद एक दफा बाहर मेरे घर के ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। केस का क्या हुआ वो भी बताना, वो जीत गई थी। अच्छा तो मैं घर में आके बैठी ड्राइंग रूम में, तो वो फिर कहते हैं अब आप मांगने का अंदाज आप चेक करें ना, मतलब ये है, आपने कार्टियर पहनी है? मैंने कहा जी जी, अरे परसों मेरी बीवी कह रही थी मुझसे
कि मुझे कार्टियर की वॉच चाहिए। कसम खुदा की मैं यूं रह गई। मैंने कहा जी क्या? तो उस वक्त तक हमारी फीस की बात नहीं हुई थी। हाँ, समझ जाओ फीस। तो मेरी फ्रेंड कहती है हाँ अच्छा हाँ समझ अच्छा, ये कार्टियर की वॉच कहाँ जाएगी? मैं कहा नहीं हाँ अंकल अब बात करें आगे। मतलब ये सीन लोग इतने अंकल को फायर करना था हैं? ऑडेसिटी चेक करें। उनसे ही कराया था केस? क्या कराया? उससे ही था बस। वो नाम शाम अच्छा था लेकिन वो नाम ही रहने दे बस आप। हाय हाय बाद में बता देना। हां बाद में बता दूंगी। व्हाट अ फ्रॉड। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं शाइस्ता लोधी के साथ और एजाज बड़ी फॉर्म में हैं, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। मिलते हैं ब्रेक के बाद क्योंकि लाइफ ग्रीन है। हमने ग्रीन पहना है। ग्रीन है। Back to our green kitchen. और रमजान में आपके घर में क्या बन रहा है? अच्छा मजे का बन रहा है, मैं आ रही हूँ। और यहाँ क्या बन रहा है? जाज मैं पहले हाथ धो लूं? हाँ पहले आप हाथ धो लें। तो शेफ फरा आप बताएं। भाई हम तो बना रहे हैं इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ मेहमान है तो मेहमान को तो अच्छी चीजें खिलानी चाहिए ना। बहुत दफा बहुत बार बहुत प्रोग्राम साथ बहुत सारे अच्छा काउंटिंग भी नहीं है बहुत सारे। क्या बना रहे हैं? लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि गुला याद खाना बना रहा है, उल्टा हो रहा है और सामीना बैठी देख रही है। ड्रामे में बोला टेस्ट का सामीना थोड़ा चेंज, आप आज थोड़ा इजहार मोहब्बत कर लो। तेरे लिए मैं मीठा बनाऊंगा, कुछ ऐसा मीठा जो तूने। मैं कुछ स्पाइसी सा बना लूं? कोरियन फ्राइड चिकन बना रही हूँ, अफ्तार की तैयारी और बड़ा मजे का बनने वाला है चटपटा सा। एक खास चीज क्या है नादिया आपको बताऊँ? ऑरेंज जूस भी इसके अंदर ऐड होगा। आज हम बताएंगे ऑरेंज जूस चिकन में? जी बिल्कुल, चिकन में हम इसको ऐड करेंगे, उसकी मैरिनेशन करेंगे और उसके बाद जब इसको फ्राई करूंगी फिर देखिए आपके अफ्तार को कितना मजेदार बनाता है हमारे मजेदार सी होस्ट। तो फिर इफ्तारी में जूस ना पिए कोई? आप बिल्कुल पिए, वो तो आपका है ना, वो तो आप बनाते हैं जूस पिलाते हैं हेल्दी, तो हम तो थोड़ा सा जानवर बनवाए ना। ड्रिंक नहीं बना रहा आज, मैं खिला रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये पहले बताओ पहले कौन बनाएगा? मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं कर लेती हूँ ना। चलें जी, मैं बहुत कर लेती हूँ। मुझे बहुत जल्दी होती है। मैरिनेशन में इसके क्या क्या डाल रहा है? मैं आपको यही बता रही हूँ ठीक है। सबसे पहले ऑरेंज जूस चिकन में डाल के बिल्कुल ऑरेंज चिकन लेमन की जगह समझे डाल दिया नहीं, इसके अंदर लेमन जूस भी है, उसका जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही मजेदार बहुत जबरदस्त सा आएगा। आप कुछ चेंज रेसिपीज भी करके देखा करें। कितनी देर पहले? 4 घंटे करना चाहिए। आप बीफ का बना रहे हैं तो उसको आपने 12 घंटे और अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो 4 घंटे ठीक है, ताकि जूसी सा हो जाइए। अच्छा लेमन जूस और इसके साथ लेमन भी डाला है, फिर ऑरेंज भी डाला है, फुल ऑफ विटामिन सी जी। नहीं फिर फ्राई हो जाएगा ना तो बेचारे मर जाएंगे। लोग खाने से सब विटामिन सी ले लेंगे तो शाइस्ता के क्लिनिक फिर आप कैसे जाएंगे? ये बात सही नहीं है। विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है, लगाएं या ना लगाएं। हम इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। आप करीब आ जाना, मैं चूल्हा थोड़ी जला रही हूँ। चलो सॉरी चूल्हा जला रही हूँ, थोड़ी दूर हो जाए दुकान। अच्छा मैं डेली काम में बोलती हूँ नादिया, कौन सी सॉस? बारबेक्यू सॉस जी जी, आपको इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। और कुटी लाल मिर्चें हैं क्योंकि हम कोरियन फ्राइड चिकन बना रहे हैं तो थोड़ा स्पाइसी तो होना चाहिए, 1 टेबल स्पून। कोरियन क्यों? कोई चीज पाकिस्तानी की? इतने बड़े पाकिस्तानी सच्ची बात बताऊं, सिर्फ पाकिस्तानी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप रेसिपी को देखो ना, मसाले सारे अपने ही होते हैं। हाँ तो हम नाम वाले कोरियन ड्रामे भी बड़े मशहूर हैं, लेकिन पता है इसकी फ्राइड चिकन इज वेरी ना बहुत मजे की होती है, इसमें फ्लेवर्स होते हैं सारे। आप इस चिकन का नाम रखें ग्रीन फ्राइड चिकन। नहीं ग्रीन नहीं, थोड़ी रेड होगी ना इसलिए, हम क्या करें। अरे भाई बन तो ग्रीन पे रही है। ग्रीन पे बिल्कुल बन रही है, हमने बहुत सारी ग्रीन चीजें बनाई है लेकिन थोड़ा सा चेंज भी तो होना चाहिए। आगे चलो आगे चलो ठीक है। लाल मिर्ची ये मैंने देगी वाली ली हुई है, जो इसका कलर बहुत ज्यादा रेड वाला होता है लेकिन टेस्ट होता है ना, तीखापन नहीं होता इसके अंदर। और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी, बाकी सब लाल है, हनी हनी भी शामिल करूंगी इसमें। ओरिजिनल रेसिपी आपको मिल रही है आज यहाँ पर। तो ये ब्रेकफास्ट पे खा सकते हैं? नहीं आप अफ्तार पे खा सकते, ब्रेकफास्ट पे खा सकते, ब्रेकफास्ट वाली नहीं। आप ले सकते हैं, आपको कुछ कोई कुछ भी नहीं बोल सकते। ये है काली मिर्ची और ये है मेरे पास अदरक का पेस्ट, खोपरा भी डाल है, लहसुन का पेस्ट और इसमें एक बहुत ही मजे की खास चीज होगी हिमानी का, हमारे पास है पिंक सॉल्ट, बहुत सारे मिनरल्स है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और इसके अंदर कैल्शियम भी है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अफ्तार के बाद कुछ पेट में गड़बड़ हो रही है तो पानी में आपको डॉक्टरी यहाँ खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो तमाम लोग, वो तमाम बुजुर्ग घर के जिनको पैरों में स्वेलिंग होती है, मेरे अब्बा की भी आ जाती है जी, इसलिए मुझे मालूम है
उसकी एक बहुत बड़ी मेडिकल रीजन होती है जो स्वेलिंग आती है, तो मेक श्योर कि आप अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की सॉल्ट इनटेक खत्म ना करें, उनको पिंक सॉल्ट पानी में थोड़ा सा घोल कर पिलाएं उस वक्त जब ये स्वेलिंग आ रही है। लेकिन उससे ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, बहुत आप थोड़ा सा ऐड करें। अच्छा, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बाइंडिंग बहुत अच्छी करेगा। फिर हमने इसमें क्या करना है, डीप फ्राई करना है। फिर एजाज की तरफ नादिया चली जाएंगी तो मैं अपना काम करती फ्राई करना है। एजाज को क्या कह रही है? हाँ, मैं डीप फ्राई करूंगी तो वो आपकी तरफ इतना आपका तो काम ही नहीं है, पूरा फिट नहीं आएगा एजाज। खड़े होके शवारमा वाले और वो कौन सा चूल्हा होगा जो एजाज हम नहीं करते, शवारमा वाली मशीन, शवारमे वाली मशीन में पक सकते हैं। बस इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ, मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। अब आप जाएं, दुबले पतले होना है ना, एजाज की तरफ जाएं। जी जी जी। अरे आज मैं दुबले पतले, नहीं नहीं एक मिनट, मतलब इससे ये पानी में डाल दिया और मैरिनेट डाल दिया, बहुत सारी चीजें हो गई, ये अभी मैरिनेट होगा, मैरिनेट हो रहा है, डीप फ्राई होगा, बस ये डीप फ्राई होगा। ओए, इसको वैसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और ओवन में, ओवन में डाल के बेक करें, बेक लेना ये नगेट्स भी, सब रोस्ट फ्राई कर, बिल्कुल मैं आपको भी कर दूं। बहुत बहुत मेरे लिए। हां, गुलाया जो है सामीना के लिए आज क्या मीठा बनाएगा? बेवकूफ तो बना ही रहे हो बेगमों को, एक शेर और क्या बना रहे हो? क्या गुलहयात अपने लहजे में बोलेगा? गुलहयात और सामीना भी वैसी बोलेगी, गुलहयात यूं खड़ा होगा ना। चल सामीना, ये सामान मैं ले आया हूँ लेकिन बनाएगी तू? मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ रेसिपी बताऊंगा। झूठ बोल रहा है तू, मेरे लिए क्या बनाएगा? बनाएगा तो नई वाली के लिए। तुझे तो बहुत खामोशी क्यों हो रही है इतनी? पॉज है ना, आता है ड्रामा में म्यूजिक चलना होता है, समझा करो। तुझे तो बहुत बना लिया सब, आज कुछ तेरे लिए बनाऊंगा, चल देख ले। ये मैंने लिया है। क्या हो गया, हम सो जाएं? नहीं नहीं, ड्रामे में ऐसे चल रहा है, ड्रामे में ऐसे समझो समझो म्यूजिक बाबा। अच्छा भाई, आज हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हमने, ये वैसे एक चॉकलेट होती है बड़ी मशहूर, पता नहीं नाम ले सकते नहीं ले सकते। तो ड्रामा खत्म हो गया, ड्रामा खत्म बस इतनी जल्दी, तभी तीन तो किस्तें चली थी यार, वो फिर पता है कि 80 मिनट का हो जाएगा। नहीं, मैं चैनल पे पूछ रही हूँ कि क्या ड्रामा चैनल पे खत्म है या नहीं? नहीं, चैनल पे चल रहा है। बात बता दूं हयात, बोल सामी, किसी के पास भी चला जाए, नादिया खान के पास नहीं जाना। टू लेट, अब तो तुमने ऐसी बात कह दी, टू लेट, इट हैपेंड, चैलेंज कर दिया है गुलायात को, अब तो गुलायात जाएगा, जरूर जाएगा। मैं शादीशुदा भैया, अभी शादी हुई है कुछ अर्सा पहले, आई एम टेकन। कोई बात नहीं, नहीं। गुलायात उठा के ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे मुझे बहन समझे आप, मैं बाजी तो हम वापस आते हैं, मुझे बाजी क्या है, मैं चल के भी आ सकती हूं। इंग्रेडिएंट्स तो बता दें यार, वही बताऊंगा ना, क्या है नहीं अभी, मैं बता रहा था कि ये एक चॉकलेट है बड़ी मशहूर, तो हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं या कहते हैं उसकी एक फॉर्म है ये, लेकिन हम इसमें बनाना यूज करेंगे, तो बनाना हमने ऑलरेडी काट के स्टिक्स पर लगा लिया। ये आइसक्रीम, पता है, अच्छे आइसक्रीम स्टिक्स, पता है, क्योंकि आप कितने दिन फ्रूट चाट खाएंगे, बटर नाइफ अगर मिल जाती तो, बोर हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बनाना हमने स्टिक पर लगाए पहले, ओके, उसके बाद ये है पीनट बटर, ठीक है, पीनट बटर हमने लिया और हमने इसके ऊपर, ओके, और थोड़ी कोटिंग की, राइट, ये पूरा इसमें कवर हो जाएगा। अब बाय द वे ये बता दूं कि एजाज को मेरे ब्रांड का पीनट बटर बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट है वो, हमारे पीनट बटर भी है। हाँ भाई, इतना मजे का है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अच्छा, अब हमने इसके ऊपर पीनट्स लगाई थोड़ी थोड़ी, वैसे ऐसे ही कर लेते हैं, चिपक जाएंगे। ये एक ही खा लें आप, इसके बाद ज्यादा कैलोरीज लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही खा लें। उसके बाद हमने स्पून, इसको हमने चॉकलेट में डिप किया, ये मेल्टेड डार्क चॉकलेट है, इसको के पहले फ्रीजर में रख लें बेहतर नहीं? बिल्कुल, पहले इसको हमें जो बनाना है ना, इसको हमें 40 मिनट्स फ्रीजर में रखना में होता है, ठीक है, अब ठीक है, ये हमने अब बना के रखी हुई, हम दिखा देंगे, ये डिप हो गई, इसका जो डार्क चॉकलेट है ना बहुत मजे का बने, ये जो एक मिनट में बता, रिच है, ये जो सीरियसली मैं बड़ा सीख रही हूँ जॉस, ये जो डार्क चॉकलेट है ना, इसमें कोकोनट मिक्स करना होता है ताकि हमें वो चॉकलेट का फ्लेवर मिले। उसके बाद हम, बाय द वे, डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमने कोकोनट हमने डार्क चॉकलेट में मिक्स कर लिया, टेस्ट में इतनी कमाल नहीं, लेकिन वैसे आदत हो जाए तो ठीक है। मैंने इसे फ्राई करने के लिए रखा, मैरिनेट तो मैं कर चुकी थी, लेकिन अगर आप घर में फ्राइड चिकन, कोरियन फ्राइड चिकन बना रहे हैं तो आपने
चिकन को 4 घंटे पहले मैरिनेट करना है ताकि वो जूसी हो जाती है। और मैरिनेशन सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, आपके कुकिंग टाइम को कम करने के लिए भी होता है। कुकिंग टाइम कम हो जाता है, जस्ट मुझे आपको यहाँ पर रेसिपी को एक्सप्लेन करना था तो मैं फौरन से इसको फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से पक जाएगा तो हम सेकंड साइड से पकाएंगे और बस इसको केचप चटनी जो आपका दिल करे इसके साथ गार्निश करेंगे। अच्छा, एक अहम टिप है जी जी, मुझे ये बताएं कि ऑयल को कितनी मीडियम फ्लेम पे गर्म करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जल्दी में चिकन डाल दिया और वो गली नहीं अंदर से। बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर आप कच्ची चिकन है उसी को मैरिनेट करेंगे, अगर मैरिनेशन टाइम आपका ज्यादा है 4-5 घंटे है तो फिर आप इसको दरमियानी आँच पे, फ्लेम आपका दरमियाना होना चाहिए और फौरन गल जाती है, क्योंकि इतनी जूसी हो जाती है कि फौरन गल जाती है। अगर मेरी तरह है तो थोड़ा सा आपको टाइम इसको देना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैंने अभी बिल्कुल इसको टाइम नहीं दिया, मैरिनेशन को कोई टाइम ही नहीं दिया है, फौरन आपको रेसिपी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ये है, तुम मेहमान हो, मेहमान बनो, बैठ नहीं सकते, होश नहीं बनो, ओके बिल्कुल आराम से बैठ, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना पीना है, ये मेहमान हो, ये हमारा फ्राई हो रहा है, इतनी देर रह गई है रोजे में, आ हा हा, ये फ्रेम कितना अच्छा, ये फ्रेम भी बना लाठी से, इसलिए भी आएंगे, ये देखो, ये हमने ये बनाने के बाद इसके ऊपर खड़ी होगी पीनट बटर की बनाना पे कोटिंग की, उसके बाद डार्क चॉकलेट और कोकोनट को आपस में मिक्स किया हुआ था वो इसके ऊपर कोटिंग की और इसको फ्रीजर में रख दिया 30 मिनट्स, उसके बाद ये तैयार होगी। आ हा हा जबरदस्त, यहाँ लाएं जी, मेहमान के सामने लाएं, ये सिर्फ देख, अभी टाइम है इफ्तार, हाँ बस देखो तुम उसको कितना प्यारा है, ये तुम मुझे और मजीद इम्तिहान में डाल रही हो, बिठा कर एक तो के नहीं उठो और उसके बाद ये गुल हयात ने तुम्हारे लिए बनाया है, थैंक यू गुल हयात, गुल हयात का मीठा, सच अ नाइस हस्बैंड। आज की आपकी रेसिपी तो बहुत जल्दी हो गई है एजाज, आप तो जीत गए, मैं थोड़ा लेट हो गई, बना के रखी भी थी तब भी ना। अच्छा, अपने काम को थोड़ा आसान करें रमजान में ना दिया, क्योंकि आप पहले से काम को पहले से करके रख दें, ऐसे नहीं कि आप इफ्तारी के 2 घंटे आप किचन में घुसे हुए हैं फिर बाहर आपका वेट हो रहा है, जिसे आप हमेशा बताती हैं कि और आसान डिशेज बनाएं, इतना मुश्किल चीजें बनाने की आपको जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आप रमजान के बाद ईद के लिए रख दें। क्या बात है, जबरदस्त डिजर्ट भी बन गया, मेन कोर्स भी बन गया, 2 नान ला दो बबस और प्लीज मुझे जो है ना मेरे लिए 8 नगेट्स बना दो सब रोसो के, प्लीज मैं अभी बना, एयर फ्राई में बनाने हैं या फिर डीप फ्राई में बनाने हैं, ये तुम्हारी मर्जी, मैं दोनों खा लेती हूं, आप तो खा लेंगे, समोसे नहीं खाने तुमने? नहीं, आज मैं नगेट्स खाऊंगी सब रोसो, क्या दिल चाह रहा है थोड़ा सा ना, इतने मजे के होते हैं, व्हाट टू डू, कोई हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें तो सब चलता है। नहीं, मैंने समोसे सहरी पे खाए थे। कहने का मतलब क्या है, हम सीधे नहीं है? नहीं नहीं, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही सीधे हैं, इसलिए आपकी रेसिपी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, शायद तुम भी खा के जाना नगेट्स और ये कोरियन सारी चिकन, आज हम मिलके इफ्तारी करेंगे माशाल्लाह, और इफ्तारी का मजा भी है मिलके, ठीक है सब साथ बैठे, वाह वाह बस इसका गोल्डन ब्राउन का कलर आ जाएगा, फिर आपने इसको निकाले और इसको आप रेडी हो जाएगी, रमजान की रौनक ही होती है, रमजान एक्चुअली हरा भरा होता है इसलिए कि सब लोग बैठ के साथ में इफ्तारी करते हैं, माशाल्लाह जी, आज हम सब साथ करेंगे और आपको जो फिनिश जो है हमारी रेसिपीज वो भी आपको तैयार दिखाते हैं, रेसिपीज रिकैप कराते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और कहीं ना जाएगा क्योंकि अभी गपशप बाकी है, शायस्ता है अभी, बातें तो चलती रहेंगी, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब आएंगे नादिया से बर्तन भी धुलवाएंगे, सफाई भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे हमने क्या बनाया, मैंने कल भी धोए थे, ब्रेक, मैंने रोज भी धोए कल भी धोए। ब्रेक और इजाज ने शायस्ता से कुछ सवाल करने हैं, मैं वही सवाल जो सबसे करता हूं पूछूंगा तुमसे भी शायस्ता, कि वन इंसिडेंट दैट चेंज योर लाइफ, टर्निंग पॉइंट हां, व्हेन यू फेल्ट क्लोजेस्ट टू गॉड, एक होता ना बिल्कुल बेबस वो वाला वक्त के बस यू फील गॉड, अल्लाह पे बिलीफ बहुत ज्यादा, 2013 और 14 के बीच का टाइम जो था वो बहुत उस तरह का टाइम था जो शायद मैंने अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्लोर किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं, मेरी ये औकात भी है कि मैं इतना अल्लाह ताला के करीब हो सकती हूँ, और उसके बाद मेरी वो गेम चेंजर था। नहीं तो वो वही कह रहा हूँ, क्या ऐसा हुआ? आई थिंक मेरी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इमोशनली मैं एक डिटैच हो रही थी, कहीं से अटैच हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बच्चे एंड मॉर्निंग शो और वो सारी, इतना सब कुछ के फ्रेंकली मैं जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ
वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, मेरे दोनों अम्मा अब्बा दोनों गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग थे, हमारे कोई मतलब बहुत ही नॉर्मल हम्बल से बैकग्राउंड के लोग, तो उस ज़माने में ना आपके पास नया नया आपको फेम मिला होता है, पैसे आए हुए होते हैं, तो आप थोड़ा अपने आप को कुछ डिफरेंट ही सोच रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अल्लाह में, हाँ अल्लाह ताला ने, ये मैं बात कर रही हूँ 2013 के मिड की, कि वो मुझे समझ में आना शुरू कर हो गया कि ये दो ये सब कुछ ये बकवास है, इधर ये सब कुछ जो है ये इसमें कोई फैक्ट नहीं है, तो उसके बाद से वो आहिस्ता कुछ तो ऐसा होगा झटका। हाँ मुझे मुझे एक कॉल आई कराची यूनिवर्सिटी से, और मुझे एक स्टूडेंट था, उसने कहा जी मुझे किसी ने कहा था आपको कॉल करने का, और एक बुजुर्ग हैं, और अब मैं वो पूरी डिटेल्स जाहिर है उस तरह से नहीं शेयर कर सकती, उन्होंने कहा आप जाके मिल लें, मैं खुद भी इतनी घबराई हुई थी, वो सारा मॉर्निंग शो की चीज़ें और चीज़ों में मुझे, मैं खुद इट वॉज़ टू मच फॉर मी, मेरे ऊपर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, क्योंकि मैं अंदर से बड़ी एक वैसे भी गरीब थे और अंदर से भी गरीब, तो मुझे कुछ, मैं बाहर पहुंची वहाँ जिस जगह उन्होंने कहा, उन्होंने कभी टीवी इस तरह से देखा नहीं था, उन्हें शायद किसी ने कहा था या जो भी उनको हुआ, उन्होंने मुझे बुलवाया किसी के थ्रू, मैं वहाँ पहुंची, और उसके बाद सिर्फ मुझे ये याद है कि मैं 1.5 से 2 घंटे अपनी फुप्पो के साथ मैं गई थी, फुप्पो और चचा मेरे साथ थे, और मैंने उन्हें देखा है, और उसके बाद मैंने वो जो साहब थे वो कभी मेरे ख्वाब में आए थे। अच्छा। हाँ 2 दफ़ा बुजुर्ग जो थे, और वो ऐसे ऐसा उस तरह के बुजुर्ग नहीं थे कि आपको लगे उम्र में कोई बहुत बड़े या इस तरह, और उनका एक खास किस्म का हुलिया, लेकिन मैंने उन्हें 2 दफ़ा उससे पहले ख्वाब में मैं देख, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने बस मेरे सर पे हाथ रखा, और मुझे उसके बाद याद नहीं है, वो मेरी पुप्पी ने बाद में बताया कि मैं सिर्फ रोती रही हूँ, वो मुझसे 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने किए, कुछ बचपन के किए कुछ चीज़ें, तो वो मुझे याद है अपने एक बचपन का ख्वाब जो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ख्वाब था, जिसमें बस वो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है, बहरहाल इसको इस तरह से नहीं देखते, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी की चीज़ें चेंज होती गई, मुझे फिर लगने लगा कि ये सारी चीज़ें इनको, फिर मैंने उनकी औकात पे रखा ये जो बाकी सारी चीज़ें, फिर मैंने और रिश्तों को भी, मुझे ये भी समझ में आया कि आप असल में अकेले ही होते हैं, ये सारी चीज़ें सपोर्ट के लिए हैं, कभी कोई चीज़ सपोर्ट कर देता है अल्लाह मियाँ किसी सूरत में, कभी किसी रिश्ते से सपोर्ट कर देता है, कभी किसी प्रोजेक्ट से सपोर्ट कर देता है, अदरवाइज़ ये हैं आप और ये है वो और यही रिश्ता है। तो फिर मैंने उसके बाद इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो कि जाहिर आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है और वो आपको मालूम और आपको अल्लाह के बाद चेंज हो। अच्छा लोग ये भी सोचते हैं यार ये कितना कमाती होंगी, तो कितना कमाती होंगी और तुम क्या करती हो अपने पैसों का, इतने सालों से माशाल्लाह काम कर रही हो, तो व्हाट डू यू डू विद द मनी, इन्वेस्ट करती हो, सेव करती हो, मैं बताऊं? मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, और मेरे पास उस वक्त जितने पैसे थे आज उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं, सिर्फ फेम का फर्क है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जितने ब्रांड ले आऊं, मैं जितनी सारी चीजें कर दूं, मेरा पार्टनर उसमें सिर्फ अल्लाह ताला है, और ये मेरे और अल्लाह के दरमियान रहना चाहिए, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, लोग पता नहीं क्या समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, बहरहाल, लेकिन या समझ गया मैं, या कि आप एक नियत कर लेते हैं, अब जो काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये तेरा हिस्सा, मैं तेरे साथ कारोबार कर रहा हूँ, ये सब उसी का दिया हुआ है, कोई मैं तेरे लोगों के लिए रखूंगा, लेकिन तुमने जमा नहीं किया, तुमने प्रॉपर्टीज नहीं बनाई, तुमने चैरिटी ज्यादा, ऐसा नहीं है, मैंने प्रॉपर्टी उस हद तक बनाई जिस हद तक मेरे बच्चों की सिक्योरिटी कंसर्न था मुझे, बस उसके बाद वो बड़े हो जाएंगे, वो खुद करेंगे, उन्होंने खुद करना होगा, बाकी आप तो अच्छी तरबियत कर सकते हैं उसके बाद बच्चे, और कितना जरूरी है एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, काम करना, ये हम बच्चियों की शादी करते हैं ना तब हमें उसको एहसास नहीं होता, तब शादी होगी मियाँ संभालेगा, अगर मियाँ ना संभाले या कुछ बुरा हो जाए, नादिया तो मेरा बच्ची ख्याल है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आजकल हम देखते हैं मोटिवेशनल बहुत स्पीच की जाती हैं और कामयाब खवातीन से ये पूछा भी जाता है, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल से ज्यादा
मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी होती है तो बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं। आप खुद अपने अंदर किसी के मोहताज ना हो। आपको ये ना सिखाया जाए कि आपके घर में भाई होगा, आपकी जिंदगी में हस्बैंड होगा, आपकी जिंदगी में बच्चा आपका बेटा होगा तो होगा, या ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है हर इंसान अपने आप में मुकम्मल होता है और उसको ये सिखाना चाहिए। एक वक्त कैसे बदले पता नहीं होता। तो खाने से याद आया, इफ्तारी करनी है भाई। भाई आज मुझे कोई ठंडी चीज खिलाया है। मैंने तो ठंडी चीज इतनी गरम गरम बातें करके कोई ठंडी चीज मैंने ठंडी चीज बनाई थी वो खा लेना। क्या गरम बातें ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं। हाँ अच्छी बात है। अच्छा बना चुके हैं हम। ठंडी बातें बुरा होता तो मैंने तो ठंडी चीज बनाई थी वो खा लेना थी। तो आज आपकी बनाई हुई आइसक्रीम खाएंगे हम। बस सही है जी। मेरे लिए समोसे रेडी करें जी, सब रोसो की चीजें फ्राई कर दो परा, क्योंकि कुछ ही वक्त रह गया। आप भी जाके अपने जरा सेटिंग वेटिंग करें, टेबल सेट करें। थैंक यू सो मच शास्ता, बहुत शुक्रिया आप लोग शो पे आई, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया आप शो पे आई इतनी। और आप रोजाना ग्रीन के शेड ऐसे ही पहनते रहे और आप व्हाइट में बहुत अच्छी। मुझे तो फसाया हुआ है, मुझे व्हाइट पहनने नहीं देते डायरेक्टर। बड़ा अच्छा लगा शो पे आए, बातें हुई, वायरल हुए, बड़ा मजा आया सबको। थैंक यू सो मच। आप भी खुदा हाफिज़ कहते हैं हमारी। और कोई रमजान का मैसेज शायस्ता, कोई मजेदार? लाइफ ग्रीन है, इससे ज्यादा बड़ा मैसेज क्या है? हमने भाई सब शादाब है लाइफ, एंजॉय करें उसको, सेलिब्रेट करें अपनी जिंदगी के हर लम्हे को। आपको नहीं पता ये अगला लम्हा आपके पास दोबारा आएगा या नहीं। यस मजाइए आपको। बिल्कुल, जो आप भी सोच रहे हैं वो भी ठीक है। आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, लाइफ ग्रीन है।